कौन सी पहनती है ये? आज बहुत खुश होने का एक बहुत बड़ा रीजन है, वो ये कि आज मेरा सेल्फ क्वारंटीन खत्म होने जा रहा है और आज मैं जाऊंगी अपने घर ऊपर। कितना फनी है ना, इतना तैयार वो भी घर के एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पर जाने के लिए। पर देखो भैया, अब जो भी है ना तैयार व्यार होने का बहाना, वो तो घर में ही ढूंढना पड़ेगा। अब बाहर लिपस्टिक लगाकर तो निकलने से रहे, सारे लिपस्टिक पड़े पड़े खराब हो जाएंगे, इसलिए घर पे ही पोत लो, क्योंकि बाहर जाने के लिए सिर्फ और सिर्फ मास्क की जरूरत है। होम टाउन में आने के लिए मैं सुपर एक्साइटेड रहती हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ पर दो मॉम है। जी हाँ, एक बड़ी मॉम और एक छोटी मॉम। हमारी एक बेटी है, मेरे भैया भाभी की बेटी है। भैया भाभी, भाई मुझसे छोटा है यार, पर ठीक है, उसने इतना बड़ा गिफ्ट दिया है कि मैं उसको बड़ा ही समझती हूँ। हर नेम इज़ मोही। और हम लोग खेलते खेलते कब माँ और बेटी बन गए पता ही नहीं चला। शी कॉल्स मी बेबी एंड आई कॉल हर ममा। आई विश मैं वो सारी चीज़ें शूट करके कम से कम इतना आप लोगों को दिखा सकूँ, हमारी बॉन्डिंग, हमारी केमिस्ट्री। तो फिलहाल मैं पैकिंग कर रही हूँ अपनी चूहिया के गिफ्ट्स। मैं यार ठंड में निकली थी फेब्रुवरी में, देखो ना अब तो ये किसी काम का नहीं है, तब तक तो वो बड़ी हो जाएगी लगता है नेक्स्ट ईयर तक, बट ठीक है। तो ऊपर आपको ओवर एक्टिंग मेरा देखने को मिल सकता है, वैसे तो आप लोग जानते हैं मैं ओवर एक्टिंग की क्वीन हूँ। नहीं यार, मैं ओवर एक्टिंग की क्वीन नहीं हूँ, मुझे लगता है कि मेरा एक फ्रेंड है वो सही कहता है, मैं क्वारंटीन क्वीन हूँ। सोचो अपने ही घर में 14 दिन यहाँ बिताया, गांव में क्वारंटीन किया, ज़्यादा खुश मत हो रसू, अभी मुंबई का क्वारंटीन टाइम बाकी है। कितना भी मैंने उसको गिफ्ट किया हो, लेकिन ये बेस्ट गिफ्ट है, बिकॉज ये खिलौने मुझे मेरे बचपन की याद दिलाती हैं। माँ जब भी मेले में जाती थी ऐसे खिलौने ज़्यादातर लेकर आती थी, प्लास्टिक्स बहुत कम खेला है हम लोगों ने, प्लास्टिक के सिर्फ गिने चुने, अदरवाइज चीनी मिट्टी के वो बर्तन के सारे सेट हुआ करते थे, किचन सेट, टी सेट। और बहुत ही सरप्राइजिंगली मुझे गांव में ये गिफ्ट मिला है, ये है बेलन चौकी और ये है सारा किचन सेट। और मैं कहना चाहती हूँ, गो लोकल, दीज आर द बेस्ट गिफ्ट्स। एक चीज़ देखकर आपको सच में अजीब लगेगा कि ये कोई कैसे गिफ्ट दे सकता है। इट्स ए टूथब्रश। और एक गिफ्ट है जिसको मैं ऐसे सोच रही हूँ मैं भी रख लूँ क्या, एक दो है टुक टुक। मेरी जो सिस्टर है वो बड़ी फिल्मी है, उसको बड़ा अच्छा लगता है कि हर चीज़ को थोड़ा बड़ा बनाया जाए, जैसे उसको सबसे ज़्यादा पसंद है न्यू ईयर पार्टी, ओ म्यूज़िक हो, पार्टी हो, हर चीज़ में थोड़ा फिल्मी टच जाती है और वैसे ही जीती है वो। उसका नाम हमने घर में TRP रखा है, क्योंकि उसकी दुनिया सिर्फ एक कमरे में TV के सामने है। और वो है मेरे सिस्टर जिसका नाम है किरण, हम लोग प्यार से उसको डेजी और डे बोलते हैं। मेरी बहुत बड़ी सेकंड नंबर सिस्टर है, मुझसे काफ़ी बड़ी है, लेकिन फिर भी आई कॉल हर डे। उसकी एक ही कमज़ोरी है, TV। मुझे याद है मेरा शो चलता था ना, तो मैं बाजू में आई हूँ 5 दिन की छुट्टी के लिए, पर मुझे कोई भाव नहीं, TV देखना है बस, एपिसोड नहीं निकलना चाहिए। थैंक यू TV इंडस्ट्री मेरे सिस्टर की लाइफ में आने के लिए। आप सोचेंगे कि मैं सिस्टर की इतनी बातें कर रही हूँ, ऐसा क्यों? वो इसलिए क्योंकि वो घर से बहुत कम, रेयर निकलती है बाहर, शी इज़ फिज़िकली चैलेंज, और वो 6-6 महीने, साल साल वो लोगों का वेट करती है कि हम बहनें कब आएंगे और कब फिर से यादें ताज़ा होंगी, हम गप्पे मारेंगे। जब हम लोग आते हैं तो उसको घुमाने ले जाते हैं और ज़्यादातर उसको मज़ा आता है बैठ की लगाने में। एक मिनट, डे डे जियो, बहुत जियोगी यार। हाँ डे, आ जाए, आ जाए, अच्छा ठीक है, ओके, हाँ हाँ आ रहे हैं। शी इज वेटिंग। तो ऑल सेट, क्या क्लास खत्म हुआ मोहिका? अच्छा ठीक है, तो क्या चल रहा है अभी?
ठीक है ठीक है, कर लो फिनिश कर लो, फिर मुझे कॉल करना। हाँ बस वेट कर रहे हैं, जैसे ही सब कुछ हो जाएगा तो फिर मैं आ जाऊंगी ऊपर। हाँ खाना ऊपर खाएंगे, तुम लोग खाना खा लेना। अब मैं वेट कर रही थी कि मेरी मोही का जो ऑनलाइन क्लास चलता है वो ख़त्म हो जाए। मेरा तो क्वारंटीन ख़त्म हुआ ही है, लेकिन मुझे लगता है ये जो अनलॉक फेज़ वन चालू हुआ है ना, उसकी वजह से लोग भी काफ़ी निकलने लगे हैं। तो इसीलिए मेरे कैंपस में मैंने 14 दिन तक एक भी एक्स्ट्रा कार अपने कार के अलावा नहीं देखा था, पर अब लोग आ रहे हैं तो अभी मुझे लगता है ज़्यादा से ज़्यादा प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है, क्योंकि पहले सब लोग घर में बंद थे, पर अब दिस इज़ द टाइम जब हम अवेयरनेस खोते हैं या हम थोड़े लापरवाह हो जाते हैं। लापरवाह नहीं होना है, बस एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर जा रही हूँ फिर भी मैं इतना प्रिकॉशन ले रही हूँ अपने लिए, अपनों के लिए, आप लोग के लिए। आप लोग भी प्लीज़ प्रिकॉशनरी ही सारा काम करें। चलो यार अब नहीं वेट कर सकती, अब हम लोग ऊपर जा रहे हैं, अब जो जैसे होगा हम लोग छापा मारने जा रहे हैं। ओके बाय। एक मिनट आती हूँ। हम अनलॉक हो रहे हैं पर घर को लॉक करना ज़रूरी है। हेलो शीज़ खानक माई भाभी। माँ कौन है बेबी, कौन है मामा? बात नहीं करोगे? पैर दो ना मामा, प्रणाम तो कर लो। हाँ मामा मुझे नहीं पहचान रहा। मिस डे जिसकी हम बात कर रहे थे। हेलो। ओह माय गॉड कैमरा को ये हेलो बोल रही है। अच्छा उसको कैमरा को हेलो नहीं बोल रही है, वो बंदूक को हेलो बोल रही है। कहाँ चली गई? रूम में वहीं से। बंदूक से डरी है और किसी से नहीं। और तुम्हारा भैया रोज वाटर मेरे को बचा रहा है। क्या रोज वाटर अभी तक हम वही लगा रहे हैं तो खत्म नहीं हुआ है तुम्हारे कुछ नहीं ला गया चाचू गया। उसके बाद इसका कुछ भी करवाई हो सर्विस पॉलिश वगैरह? हाँ, हाँ, नहीं पॉलिश नहीं करवाई। पॉलिश नहीं करवाई? देखो हम सही बताए थे बिल्कुल कि सिर्फ बनवाया हुआ है, पॉलिश नहीं करवाया। पॉलिश नहीं करवाई। माँ से हमेशा बोलती हूँ मेरी अगर शादी हुई तो ये मेरे को दहेज में चाहिए। तो क्या ये मेरा दहेज है? हमें करिए दुख। हमको लग रहा है वहाँ होना चाहिए। ठीक है मिल लू चला। क्या माँ देखो देखो मम्मी देख रही है। अच्छा मम्मी ये क्या है? अरे ये हल्दी या तेल ईराना जीवन बाके देख सी रहा। ओ ये है, सही सोचते मलिया कहते हैं ना। हाँ मलिया। तेल हल्दी उपटन वगैरह सब रखने के लिए मम्मी हम ले लेंगे ना, ये रखा ही हुआ। हाँ हाँ कूड़ा है जैसे। हाँ ले लो। अच्छा मम्मी अपने लैंग्वेज में बात कर रही है और खास यही होता है कि
अपना पुराना जो रीजनल लैंग्वेज है उसमें जो अपनापन और मिठास है, और वो छुड़वाना नहीं चाहिए अपने मदर फादर से यार। कई लोगों का मैंने देखा है कि वो एम्बेरस फील करते हैं, बट उसमें खासियत है, इट्स सो स्वीट, बहुत स्वीट लैंग्वेज होता है। वहाँ ये कितना पुराना है, लोकल यही होता है ना। मैंने कहा ना, हमारे यहाँ गो लोकल को इतने वर्षों से फॉलो किया जा रहा है और इसको संभाल के रखा जा रहा है। कैसे बचन है ये, रखते हैं बढ़िया से झाड़ पोछ। नहीं करना चाहिए था ना मम्मी, हम कर लेते थे, हमको लगा था देख करके तुम्हारा टच जो जहाँ जरूरी है वहाँ। इसको चल रहा है, लकड़ी पर खाना बना के आई है, अब कोई काम कर सकती है। ये सही, हम लोग तो नहीं कर सकते। क्या भाभी भाभी बोल रही है सामने से कि इस चीज़ के लिए हम लोग को अवार्ड मिलना चाहिए था। सही बात, 16 मार्च से घर से नहीं निकला। हाँ, इनका सच में कोई भाभी नहीं है, दोनों फोन पे लगे रहे। बंद करो यार, नहीं सुन रहा। मैं बहुत देर से कुछ यादों को तलाश रही हूँ और उसमें घूम रही हूँ, पुराने दिन, पुराने फोटोग्राफ्स, पुरानी मैं। ओ गॉड, मिल गई, ये देखो, ये मैं हूँ ब्लैक पॉन्चो में, ये मेरा भाई। पापा, दीदी, भाई और मैं। ये सारे एल्बम्स मैंने सालों पहले देखे थे, अब पता नहीं दोबारा कब देखूंगी। सबके साथ यूँ मिल करके बारिश का मज़ा लेते हुए, कुछ खाते पीते हुए, अभी हम फोटोग्राफ देखेंगे फुल फैमिली। बगल में आपको दिखाऊं मैं छोटी सी कैसी थी, ये पहचानो इसमें मैं कौन हूँ, बताओ यहाँ कौन है। इनके लिए दिखाएंगे, इतना प्यार से पकड़ी है यार। एक वक्त तो है, ज़्यादा फोटो ना तुम लोगों का है, हम लोग तो चना मटर है ही नहीं। ये देखो, ओ वाह, ये जरा देखो, ये सनग्लास लगाकर, ये भगवान कैसे हम घूम सकते। बाप रे, मैंने हो ये, हे भगवान, हे भगवान, ये मेरे परफॉर्मेंस है। बचपन में मैं डांसर थी यार, मैं कथक कर रही हूँ। ये और ये पकौड़े नाक वाली मैं, मेरा नाक देखो चेंज हुआ है ना अभी। साइड टू साइड हम तो यूँ ही अपने टाइम मशीन में गोता लगाते रहेंगे, और समय कैसे अभी निकल रहा है कुछ पता नहीं। आप लोग भी अपने टाइम को यूटिलाइज करें, और ये जो लॉकडाउन का टाइम है, अब तो अनलॉक पीरियड शुरू हो गया है, तो भी मैं कहूँगी कि काफ़ी टाइम अभी हमारे पास फिर भी घर पर बिताने के लिए है। उसमें हम ऐसी पुरानी यादों को अगर ताज़ा करें अपने कल और अपने आगे वाले कल के साथ, तो मज़ा ही कुछ और है, है ना मम्मा। मैं फ़िलहाल दो मम्मा के साथ अपनी यादों को ताज़ा कर रही हूँ, एक मेरी मम्मा इधर बैठी है और एक मेरी छोटी मम्मा इधर बैठी है ना मम्मा। और हमारी CRP यहाँ है, जिसके बारे में मैं आपको बताती रहूँगी धीरे धीरे। तब तक के लिए इतना ही, एंड मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड नाइट, राम राम, जय भारत, जय भारत। ओके, भैया है ये, कौन है बताओ, पापा है ना, ये आपको चाहिए फोटो। पापा।